अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सानी। आपको वेलकम मेरे चैनल सानी कसूर हो रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिली के साथ ढेरों खुशियाँ इन्जॉय कर रहे होंगे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि माशाल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा आ गया है और मैंने सहरी कर ली थी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो अब तकरीबन टाइम हो चुका है, 2 बज गए और मैंने अभी आप देख रहे हैं नहाया नहीं है। तो नहाते हैं उसके बाद हमारे जोहर पढ़नी है, तो मिलता हूँ मैं नमाज जोहर का टाइम नहा के मिलता हूँ। अच्छा जी, फाइनली मैंने जो है ना, आपको नज़र आ रहा है कि नहा रही है। अब मैं नमाज जोहर अदा करूँगा और उसके बाद मैंने आपको लेके जाना है, दोस्त है उसके पास मैंने जाना है, थोड़ा सा काम है तो वो मैंने जो है ना आपको दिखाना है। तो नमाज जोहर अदा करते हैं क्योंकि 2 बज गए हैं। तो सुबह का जो टाइम था ना, वो मैंने कैप्चर नहीं कर सका, बैटरी थोड़ी सी मेरे मोबाइल की जो है ना वो लो ही पड़ी थी, इसलिए मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। तो मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो अभी पहला रोज़ है, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि पहला रोज़ा उसने मुझे देखना और मुझे रखना नसीब फरमाया। नमाज जोहर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं आपके दिखाता हूँ। फ़ोन करना है, फ़ोन करते हैं कि वो किधर है, उसको जाके मिलते हैं। मैं घर से बाहर आ गया और मैंने आपको लेके जाना है, जो दोस्त है उसके पास जाना है, तो वो थोड़ा सा दूर है तो चलते हैं उसके पास। और आज एक बात बताने वाली ये है कि आज मौसम बड़ा प्यारा है, पहला रोज़ है और अल्लाह ताला ने जो है ना इस पर करम किया है कि मौसम ठंडा कर दिया, बड़ा प्यारा हो गया मौसम। और आज सारा दिन जो है ना, ये 2 बज गए हैं लेकिन सारा दिन आज प्यास नहीं लगी। मैं भाई जो है ना जिनके पास मैंने आना था, मैं अभी पहुंचा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन वजह से ना ये जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट है कसूर की, तो वहाँ पे आजकल जो है ना ये काफ़ी सख्ती है, तो ये जो है कारोबार थोड़ा सा ठंडा है। तो मेरे भाई हैं चांद भाई, उनको हम बड़े प्यार से कहते हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी दिनों से मुलाकात का मैं टाइम रखा हुआ था लेकिन मैं मिल नहीं पाया। तो आज मैं इनके पास आया हूँ तो ये मुझे मिल गए हैं। तो चांद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। तो चांद भाई जो है ना हमारे बड़े प्यारे हैं, तो इनकी शॉप है इधर। तो चांद भाई ने ना काफ़ी दिनों का मुझे बोला हुआ था कि आए आप, तो आज मैं इनके पास आ गया हूँ। आपकी मोहब्बत है सर, मेहरबानी आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। तो आज कैजुअल सी जो है ना एक बातचीत होगी इनके साथ, तो ये मैंने आपको आज दिखाना है। तो बैठते हैं और आगे जो बात होगी वही मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अंदर इनके पास चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं क्या सीन है। अगर आपको मोबाइल वगैरह सस्ती चाहिए तो आप इधर आ सकते हैं। चांद भाई जो है ना दोबारा मेरे पास आ गए हैं। चांद भाई, कैसा सिस्टम जो है ना ये अभी लॉकडाउन वगैरह से कैसा है? लॉकडाउन की वजह से जनाब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ताजर बरादरी जितनी भी है सारी परेशान है इस वक्त। दुकानें हमें बिल्कुल नहीं खोलने की इजाज़त। अच्छा, अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल इजाज़त नहीं है खोलने की। तकरीबन 1.25 महीना हो गया, इस वक्त हम अपनी जेब से ही खा रहे हैं। तो कमेटियाँ हैं, दुकानों के किराए हैं, लड़कों के तनख्वाहें हैं और मजीद अखराजात हैं, तो सारा हम अपनी जेब से ही। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा गरीब दुकानदार हैं उनकी सिचुएशन तो इस वक्त ये है कि लॉकडाउन के बाद वो इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि वो अपनी दुकानदारी दोबारा से चला सकें। अच्छा, तो इस हद तक मकरूद हो चुके होंगे, सरवाइव करना मुश्किल है उनके लिए। हाँ बिल्कुल। रेंट वगैरह का उनका सारा सीन चलता है? रेंट वगैरह कोई भी जो है ना वो मालिक वो नहीं छोड़ रहा। गवर्नमेंट ने ऐलान ज़रूर किया है लेकिन वो कोई भी दुकान मालिक जो ना वो इस बात को मुतफिक नहीं है। अच्छा। हाँ, मालिक को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते, ब्लैकमेल करेंगे तो नोटिस की वजह से जो गवर्नमेंट ने दिया उसकी वजह से अगर ब्लैकमेल करते भी हैं तो वो अगले महीने या उससे अगले महीने के तक भाई दुकान खाली कर दो, तो फिर हम क्या करेंगे। जारी से बात, उसने कहीं ना कहीं आगे अपना जो है ना वो गुजार निकाल लेना होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ है। तो जी चांद भाई से मिलने तो मैं बड़ा हैप्पी मूड में आया था, यानी किसी और मूड में, लेकिन इनका जो है ना ये दर्द जो है ये भी एक सुनने वाली बात है, क्योंकि ये भी हर बंदा ही डेली वेजेस आते हैं। यकम रमज़ान है तो दुआ करें सब भाई। हाँ, कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और ये जो मुसीबत हमारे सर पे है अल्लाह ताला इसे टाल दे जो वायरस की सूरत में आई है, लॉकडाउन की सूरत में है, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाए। ये तो जी बड़ी जो है ना ये एक आम सी बात है, अब हो चुकी है, यानी कि दुकान बंद करना आम सी बात हो गई है, यानी कि पिछले 1.5 महीने से मेरा
किया गया था। तो आई होप सो कि आज पहला रमज़ान मुबारक है, रोज़ा रखा हुआ है, भाई ने भी जो है ना सभी ने रोज़े रखे हैं, तो अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की बरकत से ही जो है ना इस वायरस को टाल देगा इंशाल्लाह। तो चांद भाई भी जो है ना अपने रोज़गार पर दोबारा से पूरी तरीके से एक्टिव हो गए इंशाल्लाह, ठीक है ना। तारी में तकरीबन आधा घंटा बाकी है, आज सारा दिन जो है बस बाहर गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो किया, और उसके बाद जो है ना ये अभी आधा घंटा बाकी था, तो आपको पता जैसे मैंने चूज़े रखे हुए हैं, तो चूज़ों को मेरे दाना और पानी डालना था, तो इसलिए मैं आ गया था हवेली में। अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, तो आज सारा दिन क्लाउडी वेदर था, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था पहले रोज़े के अंदर, और बादल थे, प्यास का ज़रा एहसास नहीं हुआ। हाँ अब कुछ जाके थोड़ा सा फील हो रहा है, और मेरा ख्याल से अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होगा, प्रैक्टिस हो रही है, आगे दिन सख्त आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रहे हमारे सबके लिए रहे। तो आपको मैं वेदर दिखाता हूँ कि वेदर कैसा था आज, ज़रा आसमान की तरफ देखिए। तो ये वेदर आपने देखा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर हुआ पड़ा है। अभी बादल थोड़े से छट गए हैं, लेकिन हो सकता है रात को दोबारा आ जाएं, और चूज़ों को पानी और दाना डाल दिया हुआ है। अब चलते हैं अंदर, इफ्तारी का अहतमाम घर वालों ने कर दिया हुआ है, और आज का दिन बड़ा अच्छा रहा है। नमाज असर अदा करने के बाद मैं फ़ौरन यहाँ पर आया, मैंने अभी टाइम आपको दिखाया 6:35 हो गया है, थोड़ी देर में अभी जो है ना इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। पहली रमज़ान की इफ्तारी है, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये जो पल हैं ये दोबारा तो नहीं आएंगे। अभी आपको सहरी दिखाते हैं और इफ्तारी दिखाता हूँ मैं, तो इफ्तारी का टाइम करीब है अभी। बहुत जो है ना मज़ा आया था आज, क्योंकि प्यास नहीं लगी, भूख का एहसास इतना नहीं हुआ। अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो अभी इफ्तारी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली इफ्तारी जो है, मैं ना बड़ी सिंपल इफ्तारी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको दोनों की आवाज़ आ रही है, बिस्मिल्लाह। वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। मैं इफ्तारी कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह, मगर नमाज मगरब पढ़नी है, मगरब नमाज पढ़ के आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरब अदा कर ली है, उसके बाद जो है ना नमाज मगरब अदा करने के बाद अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, और फिर उम्मीद है कि जल्दी सो जाऊंगा ताकि जल्दी सुबह उठूं, क्योंकि 3 बजे का टाइम है सहरी का। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो दिन आपने मेरे साथ गुजारा है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।